नारनौंद में चौधरी बीरेंद्र सिंह ने हल्के के गांव धर्मखेड़ी और जामनी खेड़ा गांव का दौरा किया और चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कहा कि अब की बार लोग मन बना चुके हैं कि मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाना है। इसलिए लोग ना कोई पार्टी देख रहे हैं, ना कोई प्रत्याशी देख रहे हैं, केवल और केवल मोदी के नाम पर वोट दे रहे हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले 5 सालों में देश का सर्वांगीण विकास हुआ है, आर्थिक रूप से हमारा देश सुदृढ़ हुआ है। अंतरिक्ष में एंटी सैटेलाइट का प्रशिक्षण करके भारत विश्व की चौथी बड़ी शक्ति के रूप में उभरा है। दुश्मन देश आज हमसे टकराने की हिम्मत नहीं करते। उन्होंने कहा कि परिवारवाद, भाई भतीजावाद, जातिवाद और क्षेत्रवाद की राजनीति करने वालों को जनता ने 2014 में नकार दिया था और अब 2019 में भी पूरी तरह नकारने वाली है। जैसे जैसे जनता में जागरूकता बढ़ रही है, वैसे वैसे पारिवारिक पार्टियों का अस्तित्व भी समाप्त होता जा रहा है। राष्ट्रवाद और विकास के मुद्दे जनता के सिर चढ़कर बोल रहे हैं। विपक्षी पार्टियों के पास केवल एक ही मुद्दा है, मोदी हटाओ, ताकि उनके घपलों पर पर्दा पड़ा रहे। ये चुनाव हम तो मोदी को देंगे। आज चुनाव देश में अपना एहसास भी नहीं करा, सारे देश में ये है कि पहली बार जात पात धर्म गोत्र सबसे ऊपर उठे। आज का देश का मतदाता ये कहता है कि मोदी को नहीं, इसका मतलब क्या? हमें तो एक बार एक दिन मैंने मोदी जी को कह दिया, वहां जी लोग तो जो कह रहे हैं पर आ तो मोदी जी को देखो, तो उन्हें थोड़ी राह करी। और मतलब ये मारे वाले ना, मारे वाले जाना ना मेरे अपने बैठा, ये टोटल ये जो है स्वाद की बात है। इतना बड़ा मतदान सिर्फ एक बात को लेके है कि अगला देश का प्रधानमंत्री वो हो जिसमें जान हो, जो देश की सुरक्षा और देश की रक्षा के लिए कुछ भी फैसला कर ले, ऐसे प्रधानमंत्री। इसमें भी जब हमारे 40 शहीद हुए सीआरपीएफ के जवान, तो युवा पीढ़ी के मन में गुस्सा था।